नमस्कार दोस्तों एन टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में मनुष्य और समाज के कल्याण के लिए कई सारी बातें सूत्रों के रूप में बताई हैं उन्होंने कुछ ऐसी आदतों का भी जिक्र किया है जो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकती है दोस्तों कहा जाता है व्यक्ति अपनी तकदीर खुद लिखता है देखा जाए तो ये काफी हद तक सच है व्यक्ति के गुण अवगुण उसका चरित्र व्यवहार उसके भाग्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए व्यक्ति को अपने भाग्य के भरोसे ना बैठकर अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि अपने भाग्य का निर्माण वो खुद कर सके दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ में समाज के कल्याण के लिए कई सारी बातें बताई हैं और कुछ ऐसी आदतों का जिक्र भी किया है जो व्यक्ति के लिए उसकी दुश्मन साबित होती हैं और उसे बर्बादी की ओर धकेल देती हैं यदि समय रहते उन आदतों को ना सुधारा गया तो जीवन तबाह होना तय है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गई इन्हीं कुछ विशेष बातों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर एक दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनके पास पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता साथ ही उनके जीवन में इतनी समस्याएं रहती हैं कि वो चाहकर भी उस पैसे का सुख नहीं उठा पाते अगर आप वास्तव में जीवन को सुकून से जीना चाहते हैं तो धन को मेहनत और ईमानदारी से ही कमाना चाहिए नंबर दो दोस्तों चाड़े की नीति के अनुसार जो लोग आलसी होते हैं और हर वक्त बिस्तर पर पड़े रहते हैं उनकी किस्मत बहुत लंबे समय तक उनका साथ नहीं देती माता लक्ष्मी भी उनसे रूठ जाती हैं। ऐसे लोगों को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है नंबर तीन दोस्तों चाणक्य के अनुसार जिनका मन हमेशा खाने में लगा रहता है जो लोग हमेशा आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं ऐसे लोग बीमारियों को निमंत्रण देते हैं उनके पास पैसा कभी नहीं टिकता और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है नंबर चार दोस्तों चाड़क की नीति के अनुसार जो लोग अपनी बाड़ी में संयम नहीं रखते यानी कठोर बाणी बोलते हैं वो हमेशा किसी ना किसी का दिल दुखाते हैं और उनकी बदुआ लेते हैं ऐसे लोगों के जीवन में कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं और उनके पास लक्ष्मी जी कभी नहीं रुकती नंबर पांच दोस्तों चाड़क की नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने दांतों की साफ सफाई नहीं करता जो अपने घर में साफ सफाई नहीं रखता उसे और उसके परिवार को तमाम रोग घेर कर रखते हैं ऐसे लोगों का धन हमेशा फिजूल में खर्च हो जाता है माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है ऐसे लोगों के पास वो कभी भी नहीं ठहरती दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो